दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि इमली का आर्टिकल छप जाता है और वो मंदिर पहुंचती है सीतामैया को दिखाने के लिए, और वहां पर अपना और दाईजी से भी मुलाकात होती है और वो प्रार्थना करती है कि आदित्य और उसके बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए सब कुछ, और वो उसके आर्टिकल के बारे में बहुत तारीफ करती है। तो देखने को मिलता है कि इमली जल्दी से भागकर ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी जा रही होती है और सीढ़ियों में टकरा जाती है आर्यन से और उसकी मॉम से भी, और आर्यन की पूजा की थाली नीचे गिरा देती है जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन उसकी मॉम पहले ही आ जाती है और कहती है तुम्हारा बॉस तो बहुत ही खड़ूस है और जब तुम ऑफिस जल्दी जल्दी जा रही हो ना तो आर्यन तुम उसे साथ लेकर जाओ। और कई ऐसी चीज़ होती है जो कि वो बार बार दोनों एक ही साथ रिपीट कर रहे होते हैं, तो आर्यन उसको इमली बार बार मना करती है लेकिन फिर भी आर्यन को की मॉम जिद कर लेती है और दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। इमली इसके चलते हुए भी इसकी नकल करती नजर आती है। तो दूसरी तरफ अपना सब घर पहुँचते हैं और देखने को मिलता है सभी नाश्ते के वक्त इमली की बात करते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा है, और वहां पर आदित्य भी आता है और मालिनी दो चार ताने मारते शुरू हो जाती है और कहती है कि आदित्य की फिर भी तारीफ की होगी और उसने कुछ तो क्रेडिट दिया ही होगा ना आपके थ्रू, कोई कुछ तो थैंक यू तो बुलवाया ही होगा, और वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वहां पर आदित्य को और बहुत कुछ सुना देती है कि उसने सीढ़ियां चढ़ने के सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए किसी और का सहारा ले लिया है, और आदित्य की बात में दिल में ये बात बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि आदित्य इमली और आर्यन तीनों ही एक साथ ही ऑफिस पहुंचते हैं और आर्यन को के साथ इमली को देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है, और देखने को मिलता है कि वो अंदर जाकर बैठ जाता है और इमली के सामने से गुजर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। और देखने को मिलता है कि आर्यन भी उसे पूछता है कि आदित्य इससे तुम्हारा कोई रिश्ता है, कि उसकी उसे पता चलता है कि फ्रंट पेज पर आदित्य की जगह इमली का आर्टिकल आया तो इमली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट भी करती कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन कहता कि अगर तुम्हें आगे चलना है तो भीड़ पर ध्यान देने की जगह तुम अपने रास्ते पर ध्यान दो। जिसके बाद देखने को मिलता है कि आदित्य उसके सामने से गुजर जाता है और अंदर कैबिन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन इमली से बात करने की कोशिश करती है कि आप आर्टिकल के बारे में ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उसके बाद ने इमली को ही ताने देना शुरू कर देता है आदित्य और कहता है कि फ्रंट पेज पर ये काम करने का कौन सा तरीका है, और उसके बाद ने आदित्य और इमली के बीच में लड़ाई होने वाली हो लेकिन उनका बॉस आकर उन्हें समझाता है, कहता है कि तुम पति पत्नी के साथ में काम करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, और आर्यन को सारी सुन लेता है और उसे पता चलता है कि इमली उसकी पत्नी है और ये भी सोचता है कि अच्छा लेकिन ये तो अलग है, ये ऐसी नहीं है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मालिनी ने अब बात सुन ली है रूपी की और निशान की, वो मिलने जाने वाले हैं और पार्टी करने वाला है साथ में क्योंकि इमली की सेलिब्रेशन करनी है और आदित्य को ही चुपके से लेकर जाएंगे, लेकिन मालिनी ये सब कुछ सुन लेती है और अब कुछ ऐसा तिकड़म लगाएगी, और वार्डन भी आर्यन के साथ में इमली को देख लेती है और वो भी उससे नाराज हो जाती है कि पैसे वालों के साथ घूम रही है, तो वो उसे हॉस्टल से निकलवा देती है और इमली सड़क पर आ जाती है रोते हुए, और अब आर्यन ही उसे अपने घर लेकर जाएगा और ये सब कुछ मालिनी का ही किया धरा होता है क्योंकि रूपी उसे टॉन्ट मार देती है कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और वो हॉस्टल में रह रही है, और मालिनी इसीलिए उसे हॉस्टल से निकलवाती है ताकि वो आर्यन के घर पहुंच जाए। अब इमली को सड़क पर बैठे हुए देख अब आर्यन ही उसे अपने घर लेकर जाएगा और उसी से कहानी एक नए तरीके से शुरू होगी।